बड़े भैया की तरफ से तीन बात रखी चाचा जी। अब सुनिए चौथी बात। आप जैसे विद्वान कहते हैं कि जल से जो भाप होती है उनसे ये बादल पैदा होते हैं। नूर दादा कण कण में समाया कहते सोले कला तेरे चांद पूनम को खिलाया कहते धरती मुनि तेरा ध्यान धरे सुनेंगे आठवीं लाइन क्या क्या रही है। आपने देखा होगा बरसात में कीड़ा उठता है जिसे पटक बीजना कहते हैं, उसमें एक बल्ब जलता है, उसमें कोई इन्वेंटर कोई जनरेटर नहीं है, परम पिता की लीला है। अरे बिजली का करंट पीछे जुगनू को लगाया तेरे बिना फूल लूलर पे फल भगवन आया तेरे। और आपने देखा होगा जंगलों में, सभी ने देखा होगा क्योंकि आप गांव के हो, फल भगवन आया तेरे। अरे जड़ और पत्ते बिना अमर बेल छाया कैसे। अरे नदी नाले में बहते फिर सागर की धारा क्यों। और देखिए लोग इस भ्रम में खोते हैं कि मैं जाट हूं, मैं जोगी हूं, मैं ब्राह्मण हूं। सब गलत बात है चाचा जी। केवल इस धरती पर ढाई जात है विधाता के घर से, और वो ढाई जात है नर नारी आधा हिजड़ा। ये सच्चाई है। आज कभी लिख रहा है दुनिया तन्यारा क्यों। कोयल का स्वर मीठा किया रंग दिया तारा क्यों। उसी से भोजन करती है, उसी से अपने पेट का गंध निकालती है, और सदा उल्टी लटकती है। अरे चमगादड़ लटकी लटकती
चाचा जी दिल खुश हो होराई या नहीं। आज देखिए गाने की 14 लाइन पूरी हुई, अब सुनेंगे 15वीं लाइन क्या कह रही है। हे रे हाथी इतना चबर किया जब छोटी आंख लगाई क्यों। बिल्कुल बिनु भैया बैठा 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 हो जाओ। हे रे कौवे के दो आंख बना दी एक पुतली यारी क्यों। हे रे छोटी सी चींटी के पेट में गांठ इतनी भारी क्यों। बताते हैं कि मोर भोग नहीं करता, फिर भी उसका वंश चल रहा है। अरे मोर नहीं भोग करता, भोग करे संगारी क्यों। तेरे पितियर को ये कान दिए ना सर पे मन गजाई क्यों। ज्ञानी और हमारे समाज का विज्ञान यहाँ नहीं पहुंचा गुरुदेव। कुछ काम विधाता के हाथ में नहीं है, विज्ञान ने मानव तैयार कर दिया, इंसान तक बना दिया है, लेकिन दो कार्य नहीं कर पाया, ना मौत पर पाबंदी ना मरे इंसान में जीव आत्मा डाल सका। अब सुनेंगे 7 लाइन और। आपने देखा होगा ये धरती सिर्फ एक है, लेकिन विधाता की लीला कहीं इस धरती की कोख से ज्वालामुखी फिरता है तो कहीं वो फसल पैदा होती है जिससे हमारा और तुम्हारा पेट भरता है। कहीं इस धरती की कोख से ऊंचे ऊंचे पहाड़ निकल रहे हैं तो कहीं जल की धारा है और कहीं पर चाचा रेगिस्तान है। देखिए ये विधाता कर सकता है, इंसान पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता है लेकिन धरती की कोख से पहाड़ पैदा नहीं कर सकता। सुनेंगे अंतिम लाइन में कवि ने क्या लिखा अपना। और आपने सुना होगा इस धरती पर ऐसा भी दे दे कि यहाँ पर दिन होता है तो वहां पर रात होती है। कहीं आंधी आ रे क्यों।
चाचा जी जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे हैं कवि। कवि अपनी कलम को जिस वक्त उठाता है गुरुदेव, ये मानो गाने को वैसे सजाया है जैसे कोई माला बनाने वाला अपनी माला को सजा रहा हो। लिखा कवि ने, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, तेरे जल में काई जल के बीच तूने नीले ये खाई क्यों। और बात अंतिम, जब एक ही मना ले ये वाला सूरत न्यारी विधान